वानिया की फ्रेंड आई है वानिया के साथ खेलने और वानिया उसकी दो कुत्तों की मजाक उड़ा रही है। वानिया कितनी बुरी बात है, बुरी बात। इसके बाल भी आपकी तरह हो रहे हैं। आप भी दो पोनियाँ करवाया करो, आपकी भी कर दो, आपकी भी वानिया दो पोनियाँ कर दो, फिर अच्छी लगोगी आप। दो पोनियाँ करके तो देखते हैं, देखो उसने भी तो की हैं, करके देखिए कैसी लगती हो आप। मानो करके देखे मेरी शहजादी, करने तो अच्छी लगोगी आपकी, करती हूँ बाल, दो पोनियाँ करती हूँ ना, इतनी प्रिटी लगोगी आप, देख लो। इसको बस एक पोनी का ही पता नहीं क्या शौक है, कभी दो पोनियाँ भी करवानी चाहिए, देख लो आज करके देखते हैं कैसी लगती हो। वही बताने की सारा जो खिलाड़ा डाला ना ये उठाने भी हैं टॉयज। हाँ जी, ये जो बाजार लगाया हुआ ना टॉयज का, ये सारे आमना ने नहीं खा रहे, आपने भी डाले हैं ये सारे, दोनों ने मिलके निकाले हैं तो दोनों ने मिलके ही उठाने हैं। ओके ना, अपना बैग आपने उठाया, वहाँ से उठाओ बैग अपना। और गंदे पापड़ खा रही हो आप इतने चिलीज वाले। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल नोट्स फाइव, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खूब मजे में होंगे। अल्लाह पाक इसी तरह से हमारे घरों में अपनी बरकतें रहमतें खास रहमतें नाजिल फरमाते रहें, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली हयाती अदा करें। जी गाइस, तो एक नए दिन का आगाज हो चुका है, नए दिन के साथ। तो आज मेरा ना जलेबी खाने को बड़ा दिल कर रहा है। अब जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सी सर्दी आ रही है ना, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। तो मैंने सोच रही थी कि मैं आज जलेबी बनाती हूँ। कुछ सारी भी काफ़ी ज़्यादा कह रहा था कि मामा जलेबी खानी है, जलेबी खानी है। तो बाहर की जो है ना वो मुझे बड़ी गंदी लगती है, कि वो ऐसे ही उन्होंने फ्राई करके तो रखी होती हैं, तो वो मक्खियाँ बैठना पता नहीं क्या करना, मेरा बड़ा दिल ख़राब हो रहा था। सारी कल भी कह रहा था, वो मामा बाबा से और बानियाँ भी कह रही थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं कल घर में बना के दूँगी। तो अभी वो ट्यूशन गया हुआ है, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं उसके लिए जलेबी बना लेती हूँ। वैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाई हुई है, काफ़ी ईजी है और बहुत चटपट बन जाती है। तो चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, चलते हैं किचन में। जी गाइस, तो मैं आपको ना थोड़ी सी बनाने का मेजरमेंट बताती हूँ। एक कप आप मैदा ले लें, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितने भी आपने ज़्यादा बनानी हो तो दो तीन कप जितने भी लेने हो। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है एक कप, और उसको अच्छी तरीके से मैंने स्ट्रेन कर लिया था, मतलब छान लिया था अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम इसमें कलर डाल लेंगे, अगर आपके पास जो है लिक्विड फूड कलर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये ड्राई था, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा डालना होता है। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क डाल सकते हैं, कुछ लोगों को ऑरेंज कलर की पसंद होती है, कुछ लोगों को येलो कलर की। आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से उसको डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल लें, मैं तो मीठा सोडा नहीं डालती, मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी अच्छी लगती हैं, तो मैंने यहाँ पे मीठा सोडा नहीं डाला। मैं जस्ट यहाँ पे पानी डाल के इसको अच्छे से बीटर की हेल्प से जो है ना इसको बीट कर लेंगे। हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं, आगे इंशाल्लाह मैं हाथ से ही करूँगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और इसके अंदर जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएँ, जितना आपको अकॉर्डिंग लगता हो कि जितना जितना इसमें डल सकता है। अब ये देखिए कलर अच्छा खासा आ गया, मुझे बस इतना ही कलर चाहिए था। अब इसमें लाइट सा आप घी डाल लें, घी या ऑयल जो भी आपको अच्छा लगता हो आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है, ठीक है। यहाँ पर ऑयल डाल के मैंने, अब ये देखें इसको हाथ से कर लिया, कितना अच्छा फाइन सा टेक्सचर बन गया। बस इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए जलेबी बनाने के लिए। आप अब इसको ना इसी तरह छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, और हम लोग उतनी देर में अपना शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा तैयार करने के लिए भी हमें जो है फ्राई पैन को थोड़ा सा गर्म करके उसमें चीनी के लिए हम दो ग्लास जो है ना पानी डाल लेंगे। यहाँ पे शीरा आपने अपने हिसाब से डालना बनाना है, जितनी आपने जलेबी बनानी होगी। मैंने थोड़ी सी जलेबियाँ बनानी हैं, तो इस वजह से मैंने सिर्फ दो ग्लास पानी डाले हैं। और इसमें जो है ना एक कप और चार चम्मच मैं चीनी डाल लूँगी। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, मुझे इतना ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो मैं थोड़ा सा लाइट रखती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप दो कप भी डाल सकते हैं या डेढ़ कप भी डाल सकते हैं, ठीक है, इट्स ओनली अप टू यू। मैं यहाँ पर एक कप और चार चम्मच ही मीठा डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी। इसको हल्के से हम हिला लेंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको चीनी लगे थोड़ी सी गंदी है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर होता है, तो उसमें आप थोड़ा सा विनीगर या फिर जो है ना लेमन के चंद ड्रॉप्स डाल सकते हैं, उससे जो भी गंदगी होती है ना ऊपर आ जाती है। मेरी चीनी यहाँ पर वाइट थी इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है।
अब यहाँ पे इसको शीरा बनने के लिए हम छोड़ देते हैं, तब तक हम लोग अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। शीरा बनने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ गाइज, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने इस बार ये गलती की थी कि मैंने शीरे ना गर्म गर्म शीरे में जलेबियाँ डाल दी थी। आपसे मैं ये कहूँगी कि शीरा थोड़ा सा आपने ठंडा कर लेना है, फिर उसमें डालेंगे तो जो आपकी जलेबियाँ होंगी ना वो बहुत क्रिस्पी बनेंगी। अच्छा, ये जो सारा टेक्स्चर था ना, मैंने इस तरह से एक शॉपर में डाल लिया है। मेरे पास वैसे वो केचप वाली बॉटल भी है, मैं उसमें भी डाल लेती थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी मोटी बनती है तो मुझे मोटी नहीं पसंद, मुझे बारीक बारीक पसंद है। तो मैं इसी तरह से शॉपर में डाल के और थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा ना निशान के बराबर उसको कटिंग करके, और आप अपने हिसाब के मुताबिक जना शेप देख सकते हैं। जलेबी की वैसे तो आपको पता ही है कोई शेप नहीं होती, सिर्फ गोल गोल ही होती है। तो आप ज़रा से इसको शॉपर को फाड़ के अपने हिसाब से, आप जितनी जितनी मोटी रखनी है, जिस तरह से भी रखनी है, जितनी जितनी बड़ी रखनी है, आप अपने हिसाब से इसको ना शेप दे सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मैंने छोटे से फ्राई पैन में बस ना छोटी छोटी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है साइज़ में, बस छोटी छोटी ही रखी हैं, लेकिन ये है कि बारीक बारीक रखी है, मुझे क्रिस्प बहुत पसंद है और बहुत मज़े की बनी थी। और गाइस, इतनी जल्दी ये बन जाती है ना यार, यकीन करें, इतनी जल्दी जो ही टेक्सचर तैयार किया और साथ ही इसको फ्राई करना शुरू कर दो, फ्राई करते करते साथ ही इसको जो है ना शीरे में डालते जाओ और सर्व करते जाओ, बहुत टेस्टी बनती है। और मेरे ख्याल से बाहर से ज़्यादा घर में अच्छी बनती है। बाहर वाली जो होती है ना वो तो एक तो सॉफ्ट हो गई होती हैं और दूसरा जो होता है ना वो क्रिस्पी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नरम नरम होती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और यहाँ पर ये देखें ज़रा, बिल्कुल इसको लाइट सा ब्राउन करना है, लाइट सा कलर दे के आप इसको शीरे में डालते रहें। अच्छा हाँ, शीरे का मैं बताना भूल गई थी। शीरा आपने बस इस तरह देख लेना है कि थोड़ा सा उसमें तार आए, फिंगर की हेल्प से आप देख लीजिएगा, तार थोड़ी सी आ रही होगी ना तो इट्स मीन कि शीरा तैयार हो गया है। वो मैं आपको बताना भूल गई थी, ठीक है। ये यहाँ पर मैं सारी फ्राई कर कर के साथ ही साथ ना डालती जा रही हूँ उसमें, लेकिन मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैंने शीरा जो है ना अपना थोड़ा सा गर्म था, जैसे ही मैंने आपके सामने ही जल्दी जल्दी तो बनाया है, तो शीरे को थोड़ा सा आप ठंडा कर लिया करें और फौरन उसके अंदर डिप करके डाल लिया करें। बन गई हमारी मज़ेदार जलेबियाँ, मज़े की आप ना, टेस्टी हैं, यम्मी। क्या लेना है? खोल के दिखाएं, खोल के दिखाएं। अच्छा खोल के तो दिखाओ, सारी अपनी हरकतें दुरुस्त करो बेटा, कोई और देख लो, बहुत बुरी बात है, बाबा ने छोड़ना नहीं है। अरे बाबा ने मारना तुझे, तू मेरी भी बेइज्जती कर पाएगा ना, ना मैं बिल्कुल नहीं इस हक में, मैं इस हक में, चला जा बस, फिर मुंह बंद करके चल। पंखा नहीं, पंखा वैसे भी आपके पास है। अच्छा मानिया, ले लिया उसने, बस उसने एक ही चीज लेनी थी। वो नाइफ दिया हो वैसे यकीनन, है ना? क्या आप देख लो, कोई एक ही दफा जोन सा लेना। क्या ले रहे हो? सारिम की डिसाइड नहीं हो रही, हम सब ने ले लिया पर सारिम का डिसाइड नहीं हो पा रहा अभी तक। बालू वाली को डोलनी पड़ी भी। चलो यार हरी अब, नहीं को पकड़ा दो, सारी पानी पकड़ाओ, चलो मेरा तो न्यू है, चलो साथ वाले
ये वॉल क्लॉक कितने की है वो ब्राउन वाली? हमारे पास 2500 रुपए की वैरायटी के लिए ऊपर तशरीफ लाएं, 1 रियाल की शादी के लिए ऊपर तशरीफ लाएं। Welcome to Dollar House and 1 real. Everything is just 100 rupees. Yes, you got it right. नहीं कलर्स हैं इसके पास, ये वाले आप एग्जाम्स के दौरान ही लेना, अभी नहीं लेना, इन्होंने ख़राब कर देने। हाँ हाँ नाइफ रख दो, कलर ले लो, काम की चीज़ हो ना। आज हमें सस्ते बाजार में यहाँ पर डॉलर शॉप में 100 रुपीज़ की भी सारी चीज़ें, और नीचे वाले स्टोर में 270 का। अच्छा सारी कह लो आप। आवाम आवाम भाई, ये कितने बड़े बड़े सारे पीछे गाड़ियाँ देखो, कितने प्यारे हैं प्लांट्स सारे, ये सारे अच्छा सारी। Thank you.